हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फिर हाजिर हूँ मैं नया रिव्यू लेके आपके लिए, और ये रिव्यू है एक कर्लिंग टॉन्ग का, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से अपने बाल कर्ल कर पाएंगे। और ये कर्लिंग टॉन्ग है H&K कंपनी का। तो ये उसका बॉक्स है जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करने जा रही हूँ। यहाँ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो डिटेल में आपको मैं अभी बताऊँगी। और यहाँ दिया हुआ है कि ये तीन साइज़ में अवेलेबल है, 19, 22 एंड 25 mm में, और इसकी MRP है 3750। बट मुझे ये मिला है 2950 रुपीज़ में। बॉक्स को अनबॉक्स करने पे आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल कम वारंटी कार्ड, और इसको खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे सेफ्टी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ना केवल आपका ये अप्लायंस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहेगा और साथ ही साथ सेफ भी रहेगा। यहाँ दिया हुआ है कि इसमें 1 ईयर की वारंटी है, और वारंटी में क्या चीज़ें कवर्ड हैं क्या नहीं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फिनिश है इस टोंग कर्ल की। और यहाँ दिया हुआ है H&K ट्विस्ट, और यहाँ पावर कंजप्शन दी हुई है, एंड यहाँ एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ये क्लैम्प है ये 360 डिग्री रोटेटिंग है। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपल इस लॉक को प्रेस करेंगे एंड इट कैन मूव रोटेट इन 360 डिग्री। तो जिस भी एंगल में आपको कर्ल करने हैं आराम से हो जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको वापस लॉक कर सकते हैं, तो इट विल नॉट मूव। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो क्लिप दिया हुआ है बालों को होल्ड करने के लिए, इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी है और पकड़ने में बहुत ही ईजी टू होल्ड है। और यहाँ एक ये टिप दिया हुआ है, कूल टच टिप है, ये गर्म नहीं होता है, तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं कर्ल करते हुए। और ये डिजिटल टेम्परेचर क्लॉक यहाँ पे दी हुई है। इसका जो वायर है वो भी 360 डिग्री में रोटेट करता है, तो किसी भी एंगल में आप इसको लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा के आराम से आप कर्ल कर सकते हैं। वायर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैंड दिया हुआ है कि अगर आपकी ये जो टोंग कर्ल है ये अगर गर्म है और आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो इसका जो टिप है, इसका जो रॉड है वो टच नहीं करेगी किसी भी सरफेस को, और उसकी वजह से कहीं पे भी कोई चीज़ जलेगी या गर्म नहीं होगी। यहाँ मैंने ये डिजिटल टेम्परेचर क्लॉक ऑन कर दी है और तो अभी ये ऑफ है, और यहाँ पावर बटन है, साथ ही अप एंड डाउन का बटन भी दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो आपको पावर का बटन दबाना होगा, और यहाँ पे एक टेम्परेचर मेंशन होगा। तो अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो अप वाले बटन में जाएंगे आप और उसको कंटिन्यू दबाएंगे जिस टेम्परेचर को आपको सेट करना है। तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है 230 डिग्री, और जैसे ही आप उसको प्रेस कर देंगे तो एक क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी, और ये क्लॉक डायरेक्टली ख़त्म होगी 230 पे। यानी कि जब तक ये क्लॉक चल रही है इसका मतलब आपकी जो रॉड है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, और जब ये क्लॉक बंद हो जाएगी 230 पे तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा और आपकी ये रॉड अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो ये जो रोज़ गोल्ड फिनिश में रॉड है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बहुत अच्छी फिनिश आती है इससे, बहुत स्मूथ कर्ल होते हैं और उनमें शाइन भी आ जाती है और बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री दिखाई देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसमें टाइम अपने आप रन हो रहा है और करीबन 1 मिनट का टाइम लगता है इसको गर्म होने में। तो विद इन अ 1 मिनट ये बहुत अच्छे से तेज़ गर्म हो जाती है, जिससे कि आपके जो कर्ल्स हैं बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो अभी ये होने ही वाला है, लगभग 30 सेकेंड्स और रह गए हैं, उसके बाद ये टेम्परेचर उस पर सेट हो जाएगा जिस भी टेम्परेचर पे आपको चाहिए। तो ये आप 80 से लेके 230 डिग्री तक कहीं तक भी आप इसको बालों के प्रकार के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अब ये बहुत तेज़ गर्म हो गई है तो बहुत ध्यान से आपको कर्ल करना होगा। तो जिस भी सेक्शन को आपको कर्ल करना है उसको आप क्लैंप के बीच में दबाएंगे, इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे। एंड जो ये क्लैंप है इसको आप जब रोटेट करेंगे तो बचे हुए जो बाल हैं वो अच्छे से उस कर्ल के अंदर आ जाएंगे, उस टोंग कर्ल के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए इसका फ़ायदा बहुत है। और आप देख सकते हैं जो कूल टच टिप है वो आपको इसको होल्ड करने में कितने अच्छे से मदद करती है, और आपका हाथ भी नहीं जलता और उसमें अच्छा खासा स्पेस भी है कि आप उसको अच्छे से पकड़ सकें। तो इसको करने के बाद आपको हार्डली
6 सेकेंड्स या आई थिंक मैक्सिमम 8 सेकेंड्स इसको जस्ट होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये सेक्शन बड़ा लिया है मैंने, अगर आप छोटे लेंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। और ये आपका कर्ल बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कर्ल बना है, इतनी अच्छी फिनिश आई है, इतनी जल्दी से ये रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कर्ल बना है। तो इसकी जो ये रोज़ गोल्ड बैरल है इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से जल्दी से कर्ल कर देती है और काइंड ऑफ जो कर्ल्स हैं इसके वो बहुत ही अच्छे कर्ल्स बनते हैं इससे। तो अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आपका सैलून है और आप उसके लिए सोच रहे हैं कि कर्लिंग रॉड मुझे लेनी है, तो आई थिंक दिस कर्ल इज़ द बेस्ट कर्ल। तो इस स्ट्रॉन्ग कर्ल को आप लेने में ज़रा भी देर ना लगाएं, क्योंकि ये कर्ल स्ट्रॉन्ग बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत अच्छे से कर्ल होते हैं। तो धीरे धीरे मैं सारे ही कर्ल्स कर रही हूँ और फिर लास्ट में आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी। और मेरे पास VNG की भी है, फिलिप्स की भी है, बट इतना अच्छा कर्ल्स उनसे नहीं बनता है, बहुत ही कम टाइम में ये कर्ल्स को बना देती है। तो एक साल की वारंटी के साथ भी है, तो अगर आप इसे लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ये 3750 की है पर मुझे ये मिली है 2950 रुपीज़ की, और मैंने ये किसी कॉस्मेटिक स्टोर से ही ली है और वो मेरे घर के पास ही है। तो ये आपको कहीं भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी और किसी ब्यूटी शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं। H&K इज़ अ नोन ब्रांड नाउ और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये, इनकी कर्लिंग आयरन वगैरह भी आती है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार आराम से दे सकती हूँ। यू कैन बाय दिस, एंड अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाती रहूं और आपको अच्छे अच्छे टिप्स देती रहूं। एंड सारा मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको मैं इसकी पूरी फिनिश अच्छे से दिखाने वाली हूं। तो बस अब ये होने ही वाले हैं, तो चलिए हम इनका फाइनल फिनिश देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी मैंने इनके बालों पे कोई भी मूज़ और किसी भी तरह का मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाया है, प्लेन बालों पे कर रही हूँ। तो अगर आपको और ज़्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप मूज़ लगा सकते हैं या हेयर स्प्रे लगा सकते हैं। तो ये विदाउट हेयर स्प्रे विदाउट मूज़ इतने अच्छे कर्ल्स विदाउट एनी फ्रिज कर रहा है ये टोंग कर्लर, तो आप इसे आराम से ख़रीद सकते हैं। आपको अगर ऐसे अच्छे प्यारे सुंदर कर्ल्स चाहिए तो यू कैन बाय दिस फॉर श्योर। थैंक यू वंस अगेन।